हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत होंगे। तो भाई आ गया एक और व्लॉग के साथ। तो भाइयों, अभी हो रहा है सुबह के 9 अराउंड और बस मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं। बस गाड़ी में फ्यूल थोड़ा सा एंड हो गया है, तो चल के फ्यूल लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं और आपसे गपशप करते हैं। तो चलें अपने ड्राइववे से बाहर निकलते हैं, दिन का स्टार्ट करते हैं। 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक काम स्टार्ट करते हैं। स्कूल जोन भी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली 8 से 9:30 बजे तक ना यहाँ पे स्कूल जोन होता है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, वरना काम सुबह में बहुत अच्छा होता है। रेली बस थोड़ा ही है, ट्रैफिक तंग करता है। तो भाई आ गया हमारा फ्यूल स्टेशन, फ्यूल लें फिर काम स्टार्ट करें। तो भाइयों, मैं हूँ इस वक्त वेदर हिल पार्क के एरिया में और जस्ट अभी मैंने काम स्टार्ट किया है। घर से निकला हूँ, फ्यूल लिया है, गाड़ी साफ की है, इसको करते करते मुझे आधा पौन घंटा लग गया है। तो जस्ट मैंने एप्लीकेशन ऑन की है, तो अब देखते हैं हमारे नसीब में क्या है, आज का दिन कैसा जाता है। और एक भाई मुझसे कह रहा था, यार आप बोलते हो जल्दी स्टार्ट करोगे। यार एक्चुअली मेरा बच्चा मुझे ना रात में सोने नहीं देता, मुझे सोते सोते ना 1-2 बज जाते हैं। उसके अलावा मेरा टारगेट होता है सुबह 9 to 5 वाला काम, लाइक 9-10 बजे तक काम स्टार्ट कर दो, 5-6-7 बजे तक घर चले जाओ, तो उसमें आपके ना बन जाते हैं, आपका टारगेट पूरा हो जाता है। अगर काम सही है तो आपके आराम से 10-12 घंटे के अंदर जो है ना 300-350 बनते हैं। और ये देखिए आपसे बात करते करते जॉब भी आ गई, और ये आज की फर्स्ट जॉब हमें आई है डीडी के एप्लीकेशन पे। तो चले इसको चल के पिक करते हैं। डीडी विनर है भाई, डीडी का काम बहुत है यार, बहुत काम है डीडी का। तो चले दोस्तों इस कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। Leave home by 1:30. Work off before 2. Shit. Well, you did. Thank you, my friend. Thank you. Have a good day. Eh? Thank you. Have a good sleep. I will. Thank you. तो भाई आज की मैंने अपनी फर्स्ट राइड को उतार दिया, और देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्विक कंस्ट्रक्शन होती है ना यार, इतनी कोई क्विक होती है। ये देखें यार कितनी प्यारी बिल्डिंग बनाते हैं ये लोग, और ये कुछ दिनों में ना बन के रेडी भी होगी, लिटरली कुछ दिनों में ये खड़ी भी होगी पूरी। और भाइयों अभी ये जो लास्ट मैंने कस्टमर को उतारा है ना, इससे मेरी गपशप हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा, यार बताओ तेरे बच्चे वगैरह कितने हैं? तो मुझसे कहने लगा मेरे 7 बच्चे हैं। तो मैंने कहा भाई तू मैनेज कैसे करता है? तो क्योंकि उनका स्कूल है, सब कुछ है, आना ले जाना, स्पोर्ट्स, क्योंकि ये लोग भाई स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको हर बच्चा 2-2, 3-3 जो है ना गेम्स खेलता हुआ नज़र आ रहा होगा, और उसमें भी काफ़ी प्रो खेल रहा होगा, ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़ बहुत दी जाती हैं। तो मैंने उसे पूछा भाई कि तू मैनेज कैसे कर रहा है? तो मुझसे कह रहा है भाई मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, उससे ये होता है मैं सुबह आता हूँ, सुबह अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, उनको छोड़ा मैं आके फिर सो जाता हूँ, और उसके बाद जो है मेरी बीवी जो है ना, जब वो दोपहर में वो आती है फिर वो उनको पिक करती है, लाइक इस तरह मैनेज कर रहे हैं ये लोग। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है यार रात में जॉब का, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था, लेकिन आगे जाके इस तरह करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें होंगी अभी मेरे बेबी को लेके, तो ये चीज़ें आप लोग को भी फेस करनी होंगी इन फ्यूचर। तो आप लोग इस तरह जो है ना मैनेज कर सकते हो कि लाइक एक ने नाइट शिफ्ट कर ली, एक ने डे कर ली, बाकी डे केयर्स वगैरह का यहाँ का सीन होता है, आप वहाँ पे बच्चों को छोड़ दो। तो बाकी हैं यार फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, बाकी हो रहा है आप ट्रिप का वेट। तो चलें कोई जॉब आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बस भाई पिकअप लोकेशन पे हूँ, कस्टमर का वेट हो रहा है, और इस कस्टमर को मैंने पहले भी 3-4 दफा पहले राइड दे चुका हूँ। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? थैंक यू।
तो भाई एक और जॉब आ गई है डीडी के एप्लीकेशन पे आजकल। यार डीडी का काम बहुत तेज है, आप लोग प्लीज इसको देखना। और ये जॉब हमारी कैंसिल हो गई है, तो देखते हैं कोई और जॉब का वेट करते हैं। आज एक घंटे में मुझे 5 ट्रिप्स आए जिसमें से 2 मैंने ट्रिप्स की हैं और 3 कैंसिल हुए हैं। ढूंढते हैं भाई अपना नेक्स्ट ट्रिप। ये देखें सिडनी के एसी वाले, फैसिलिटीज चेक करें जरा यार इनकी। तो भाई मैं हूँ इस वक्त लिवरपूल में 7-Eleven के पास, कॉफ़ी लेने आया था। बाकी यार बड़ा प्यारा वेदर हो रहा है, बेचारा फिशिंग पे चला जाऊँ। चलें चल के कॉफ़ी लेते हैं यार, फिर काम स्टार्ट करें। नाश्ता नहीं किया सुबह। हलाल हलाल। बाकी ज़्यादातर अपने देसी काम करते हैं यहाँ पे 7-Eleven में या फ्यूल स्टेशन के ऊपर। बस कॉफ़ी रेडी हो रही है, लेके निकलते हैं। तो जी कॉफ़ी रेडी हो गई है हमारी, इस पर लेट लगाएं। चलो जी पे करें, निकलें। टेक योर टाइम, no problem, take your time. I'm from Pakistan, yeah. Yeah, I'm from Pakistan. Which city? I'm from Punjab. Okay, yeah, I saw you like you were talking in Punjabi. Yeah. So I was mentioning my people to like, we have a lot of Desi here. Yeah, because I'm talking to my sister more. And this is my brother's store, right? Oh, right. I'm managing the store. I thought the other store, Green Acre, is my store. That's really, like, yeah, nah, yeah, I know that guy. Like. Uzi? Zee? Yeah, yeah, I know many people. Oh my god. Yes. I'm Z's sister. Oh, yeah. I didn't know that. He's a good friend of mine. Oh, because yeah. Because yeah. Z, he bought another 3 cafe. Mm-hmm. And he's busy over there. And Uzi, he started his construction business with my husband. All right. So they want to sell it. My mom said no. And mom said, Freya will look after it. That's why I'm managing. And in between, you guys were doing some food business as yes. well. Yeah, I know. Cafe. I know. Cafe. Yeah. You bought another one. Wow. Yeah. Good luck, guys. Good luck. Thank you, anyways. Right, thank you. Have a good one. Take care. तो भाई ये जो 7-Eleven है हमारे एक जानने वाले का निकल आया है, तो वाह यार ये पाकिस्तानी फैमिली है, देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह भाई बड़े सेट हो गए हमारे पाकिस्तानी। तो चलें कुछ खाते पीते हैं। हमने अपना सॉसेज ले लिया है, एक हलाल सॉसेज रोल और कॉफ़ी, देन स्टार्ट करते हैं काम इसको खा पी के। जैसे ये भी एक ऊबर ड्राइवर है, ये आउटलैंडर में कर रहा है, ये 5-सीटर आउटलैंडर है। ये भाई भी ऊबर ड्राइवर है, कॉफ़ी लेने आया हुआ है यहाँ पे, तो इसे गपशप करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या था ऊबर के काम के बारे में। आप बताएं काम क्या था चल रहा है। काम सपोर्ट वर्कर करता हूँ। कौन सा? डिसेबिलिटी का सपोर्ट वर्कर। अच्छा हाँ। वो क्या कैसे करते हैं आप? वो किसी को लेके जाना, किसी को अपॉइंट करना मेडिकल इंस्टीट्यूट। नहीं 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 थैंक यू। नहीं तो जॉब्स कैसे लेते हैं उसकी, मैं ये पूछ रहा हूँ। जॉब अपना है, अपना एक जो सी देती है जॉब, लेडी है। अब बताओ ना यार उसका कुछ है, उसका NDIS का है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर लेना उससे। तो जैसे किसी की अपना अपॉइंटमेंट है, किसी की मेडिकल अपॉइंटमेंट है, किसी को कहीं जाना होता है, लाइक मतलब NID जो लिखा हुआ होता है गाड़ी के ऊपर, ये क्या चीज है? ये NDIS तो वैसे गवर्नमेंट है। अच्छा, पर मेरे ख्याल से कुछ सालों में उन्होंने क्या किया, चीज को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर दिया? आउटसोर्स मतलब कि लोगों को, जैसे NDIS का लाइसेंस ले लो, ठीक है, तो फिर जैसे किसी को जरूरत है किसी को, NDIS बोल देता है, हाँ भाई क्या कहते हैं अपना, ये अपना एजेंसीज हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर दिया। तो फिर वो एजेंसीज क्या कहते हैं, फिर इनको सपोर्ट करती हैं, किसी का घर पे जैसे व्हील चेयर का है, हाँ। वो हो गया, पर मैं व्हील चेयर। अच्छा काम आता है, एप्लीकेशन वगैरह इनकी कोई? एप्लीकेशन नहीं है, वो जैसे सिक्योरिटी का होता है। अच्छा ऑन कॉल है? ऑन कॉल है, फिर कई जगह आपको कई परमानेंट करते हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट है, नर्सिंग का सर्टिफिकेट या कुछ है, तो फिर जिससे अपना घर पे मिल जाता है किसी के व्हील चेयर का, तो पैसे ठीक है, मतलब कि ऊपर से ज़्यादा ऊपर का काम क्वाइट हो गया वो। तो गाड़ी आपको उसमें SUV रखने पड़ती है? ना ना जरूरत नहीं है, सिंपल ये कार भी चल जाएगी। ये भी चल जाती है? यार नंबर देना भाई। नंबर मैं देता हूँ, सिंपल कार चल जाएगी, और पेट्रोल के पैसे भी देते हैं अगर जैसे किसी को पिक करना है किसी को। यार ये ज़बरदस्त है काम, तो आपको खुद कॉल करते हैं, ऑन कॉल काम है ये?
ऑन कॉल है, पर स्लोली एंड स्लोली जैसे आपका रिलेशन बनता रहता है, काम मिलता जाता है, जैसे कुछ क्लाइंट है उनके साथ आपकी सेटिंग क्या मतलब कि मैच हो गया, बढ़िया लग रहा काम, तो आपको फ़ोन डायरेक्ट कर लेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर को बता दो कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मैं घंटे लिख दो जो है। ओके, नहीं नहीं ज़बरदस्त भाई, आपसे सही नॉलेज मिल गई। जैसे अब क्लाइंट के पास जा रहा हूँ किसी को पिक करने जा रहा हूँ, उसमें 7 मील जाना है, उसको 7 मील छोड़ूंगा, कहीं एक दो जगह और डेस्टिनेशन जाना होगा। इस काम की खूबसूरती ये है कि जैसे मिनिमम आपको 3 घंटे डालने होते हैं, कई बार काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आपके अच्छा टाइम का चक्कर होता है इसमें? टाइम का नहीं, मिनिमम 3 घंटे तो डालने ही डालते ही हैं। जैसे अब मैं किसी को अभी सुबह मैंने किसी को पिक किया था से, उसको मैंने सिटी छोड़ा, 1 घंटे में काम खत्म हो गया, तो बस वहीं छोड़ना था, तो एटलीस्ट 3 घंटे के पैसे देंगे आपको, 3 घंटे के पैसे देंगे भले 1 घंटे में काम खत्म हो जाए, ये अच्छा है। तो साथ में उसको जितना छोड़ा डिस्टेंस, उसके फ्यूल के चार्ज भी देंगे 90 सेंट के किलोमीटर के हिसाब से। कौन लोग हैं भाई ये? ये है तो कई तो सारा इतना टैक्स काटती है। आप मुझे कांटेक्ट किससे करना पड़ेगा? जिस लेडी का नाम मैं दूंगा उससे आप बोल देना कि ऐसे ऐसे अपना संजीव है मेरा नाम, संजीव ने रेफरेंस दिया, तो फिर आपको अपना कि फिर वो कुछ मांगेगी अपना, क्योंकि मेरे पास भी कोई डिग्री डुग्री नहीं है, आपसे बेसिक मांगेगी अपना, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, फर्स्ट एड है, ये बस फर्स्ट एड तो कहीं भी छोड़ होगा, ये कंपनी का है एक्चुअली, ये वो देगी कंपनी, फिर बस जैसी काम आएगा आपको देती रहेगी स्लोली स्लोली। और ये कौन है? एंड्रिया। और ये कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डिस्कवर नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया। डिस्कवर नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया। मैं जरा बंदे को पिक कर दूँ। चले चले। मैंने यार जल्दी जल्दी कॉफी। नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, चले मिलते हैं इंशा। थैंक यू थैंक यू। तो भाइयों इस भाई से काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप लोग भी इसे चेक करना, मैं भी इसे चेक करूंगा, तो डेफिनेटली मैं भी इसे कॉल करूंगा आजकल में ही। बाकी अपना काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो बाकी भाइयों ड्राइविंग के ऑप्शंस बहुत हैं सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लाइक देखो ऊबर है, डीडी है, टैक्सी है, डिलीवरी जॉब्स हैं, बकायदा रन है, वीकली रन होते हैं बहुत सारी कंपनीज के पास, फिर इसके बाद ये NDIS, ये NDIS क्या है ये है, फिर है गेट पिक्ड अप है, फिर NIDS या NDIS ये है, फिर ये नर्सिंग की कंपनी जो बताई है इस बंदे ने ये है। तो भाई ऑप्शंस बहुत हैं सिडनी के अंदर, बस काम करने वाला होना चाहिए सीरियसली। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसके अंदर भी जो है ना मैं डिटेल डाल दूंगा, ये जो मुझे बंदे ने बताई है ना इस कंपनी का नाम। भाई एक जॉब आई है हमें सर्च पे, तो चलें इसको उठाते हैं। Yep, there you go. Thank you so much. No worries, have a good one. Have a good one. Take care. Thanks. See you, mate. Have a good one. Thank you. तो भाइयों एक और हमने जॉब को उतार दिया है और एक और जॉब आ भी गई है डीडी की एप्लीकेशन पे, तो मैं इसको लेने जा रहा हूँ, साथ ही मुझे हायर कार पे भी जॉब आ गई है। तो ये मेरा लास्ट ट्रिप है जो आज मैं कर रहा हूँ, इसके बाद इसको मैं उतार के फौरन मुझे जाना है एयरपोर्ट कस्टमर को पिक करने। तो चलें दोस्तों अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और ये प्लीज़ ये जो आज जो ऑप्शन हमें पता चला है इसकी मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको भी चेक कर लेना, ये एक और ड्राइविंग का ऑप्शन है लाइक अ हायर कार, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, प्लीज़ इसको देखिएगा। तो चलें दोस्तों इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ वेरी सून, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।